आईसीआई ग्रेसमैन देगा, यही आंसर जानना है आप लोग को। तो भाई देखो, तीन चार केस है जहाँ आपको ग्रेसमैन मिल सकता है। सबसे पहला तो जहाँ तक मुझे पता है कि मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा उल्टा आया होता है इस बार का, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक दो ऑप्शंस नहीं मिल रहा था जहाँ तक मुझे पता है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है लेकिन मुझे पता है, तो उस केस में आपको ग्रेसमैन मिलेगा। और एक केस हो गया जिससे आपको तीनों पेपर आपका अच्छा गया हुआ है, सपोज़ कोई एक पेपर में आपका मतलब उतना अच्छा नहीं गया हुआ है तो तब भी आपको ग्रेसमैन मिल जाएगा। मैंने खुद अपने मैथ्स एग्ज़ाम में मैंने 44 मार्क्स का किया हुआ था, उसमें मैंने गलत भी बहुत किया हुआ था लेकिन फिर भी मुझे 40 मिला एग्जैक्ट। और बाकी सब में मेरा अच्छा हुआ था, जैसे कि लॉ में मेरा 60 अबव था, इकोनॉमिक्स में 60 अबव था, इसीलिए शायद मुझे उन्होंने पास करा दिया। तो ग्रेस मार्क मिलता है वैसा बात नहीं है, काफ़ी लोग ग्रेस मार्क से पास होते हैं। अगर आपका एग्रीगेट एग्ज़ाम अच्छा गया हुआ है तो ग्रेस मार्क मिलेगा ही आपको, और अगर क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आया हुआ है तब भी ग्रेस मार्क मिलेगा, और क्वेश्चन पेपर हार्ड था तब भी ग्रेस मार्क दे के उन लोग पास कर देगा। तो टेंशन जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे आशा है कि ग्रेस मार्क मिलेगा आप लोग को। और जो भी हो रिजल्ट आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब मार के रखो यार, पढ़ाई के बीच बीच में वीडियो डालते रहता हूँ आप लोग के लिए। तो आप अगर वीडियो सब अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, मिलते रहेंगे। ठीक है, बाय।